कहने को तो ये गेहूं खरीदने की सरकारी दुकानें हैं, लेकिन यहाँ दलालों का बोलबाला है। किसान लाख कोसों के बावजूद भी अपना गेहूं इन सरकारी दुकानों में बेच नहीं पाता है। आखिर मजबूरन उन्हें बिचौलिए के हाथ बेचना पड़ता है, और जो मुनाफा किसानों को मिलना चाहिए उसे बिचौलिए खा जाते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सामने आया है, जहाँ BPCL फर्म के नाम से गेहूँ खरीदा जा रहा था, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही थी, जिसमें फतेहपुर के DM साहब ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए BPCL फर्म को तुरंत तत्काल से बंद करने के आदेश दिए। दरअसल BPCL को गेहूं खरीदने का ठेका मिला है। इस फर्म ने जिले में 8 केंद्र बनाए हैं और इन केंद्रों में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही थी। अब आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे किसानों को इन फर्मों के दलाल चूना लगाते हैं। दरअसल फर्म किसानों से सीधे गेहूँ न लेकर बिचौलिए यानी दलालों से गेहूँ खरीदते हैं। जब किसान गेहूं बेचने मंडी जाता है तो उसे इतना परेशान कर दिया जाता है कि अंततः किसान दलालों के हाथों अपना गेहूं बेचने को मजबूर हो जाता है। ऐसे में इसका फायदा दलालों को मिलता है। दलाल किसानों से कम रेट पर गेहूं खरीदते हैं और बढ़े हुए दामों में सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों में बेच देते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। सरकार कितने भी इंतजाम कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, दलाल आखिर उसका तोड़ निकाल ही लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदीप केसरवानी। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करना मत भूलिएगा।